उसने रेलवे स्टेशन देखा है, एसईसीआर का इलाका देखा है जहाँ पर सीवरेज का दखल नहीं हुआ, यानी नगर निगम का दखल नहीं हुआ, या फिर वो हवा हवाई बातें कर रहा है। 2008 में जब ये परियोजना शुरू की गई, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ, हो सकता है यहाँ पर शोर हो रहा हो, आप मेरी बात को सुनने की कोशिश कीजिएगा। छत्तीसगढ़ में हर काम रायपुर को मिला, नया रायपुर बना, जितनी भी बड़ी परियोजनाएं आई रायपुर को मिला, सिर्फ बिलासपुर के हाथ में जो उपलब्धियां हैं वो दो या तीन कह सकते हैं। एक एसईसीआर का गठन जो कि नीतीश कुमार रेल मंत्री रहते किया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको करा था, ये उपलब्धि है। दूसरी हाईकोर्ट जो स्वाभाविक तौर पर बिलासपुर को मिलना था। तीसरी हम उपलब्धि ये कह सकते हैं कि सीवरेज को जिस तरह से लड़कर के अमर अग्रवाल जी लेकर आए थे उस तरह से उसका एग्जीक्यूशन नहीं किया जा सका। इस परियोजना को 2 साल में खत्म होना था, 2008 में ये शुरू हुई थी, 2010 तक इसको खत्म हो जाना था। शुरुआती इसकी जो लागत थी 199 करोड़ थी, वो आज बढ़कर के 422 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। और आज आप देखेंगे कि एक जोन जो कंप्लीट हुआ है लेकिन उसमें भी लिंक नहीं किया गया, दूसरे जोन जिसमें मुख्य शहर आता है उसके भी बहुत सारे लिंकेज नहीं हुए। मैं अपने बाकी साथियों से भी ये कहना चाहूंगा कि एक बार बिलासपुर आकर देखिए। पत्रिका इस पर 29 अप्रैल 2017 से लगातार खबरें चला रहा है। मैं समझता हूँ बिलासपुर के अखबारीय जगत में एक बड़ा कैंपेन रहा ये, और इस कैंपेन का साकार रूप ये आया, जो सिंप्लेक्स बहुत मंथर गति से कछुआ गति से काम कर रहा था उसने रफ्तार पकड़ी। लोगों को लगा, कुछ अथॉरिटीज को लगा, कुछ जिम्मेदारों को लगा कि यूं तो खबरें छपती रहती है, हमें भी लगा हाँ खबरें छपती रहती है, बिल्कुल बेशक छपना चाहिए, कोई बहुत फर्क नहीं होगा, लेकिन हमने ये संकल्प लिया कि हम लोगों के साथ खड़े रहेंगे और लगातार ऐसी खबरें चलाते रहेंगे, जब तक चलाते रहेंगे जब तक इनके असरात नहीं आते। बेशक हम एक्शन एजेंसी नहीं है, बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं रहती, लेकिन ये जानिए आप कि हमने इसको लगातार चलाया और अभी हम इसको जारी रखे हुए हैं। इसका नतीजा ये रहा, आप देखिए पूरा बिलासपुर में कम से कम हमने जो अपनी खबरों के जरिए गिने हैं तो पूरे बिलासपुर का जो वर्गाकार हम इसका जो क्षेत्रफल देखते हैं ये करीब करीब 150 किलोमीटर का इसका रेडियस है, 15-20 किलोमीटर का इसका रेडियस है। इस रेडियस में कम से कम 60-70 गड्ढे बने हुए हैं और 40-30 गड्ढे ऐसे हैं जो प्राइम लोकेशंस में। आपको यकीन नहीं होगा बिलासपुर की जो धमनियां हैं, बिलासपुर का जो मुख्य जो मार्ग है जिसे हम कहते हैं तालाबारा रोड, जिसे हम कहते हैं तेलीबारा रोड, जिसे हम कहते हैं एक्सचेंज रोड, एक्सचेंज यानी अग्रसेन चौक से जो पूरा मार्केट एरिया है वहां पर आप यकीन नहीं करेंगे, बड़ा प्रतिष्ठित होटल है वहां पर नाम नहीं लूंगा, उसके सामने से करीब करीब 8 महीने से गड्ढा करा हुआ है। हम ये नहीं कहते सीवरेज प्रोजेक्ट इज वेरी गुड प्रोजेक्ट, दिस इज वेरी मार्वलस प्रोजेक्ट, लेकिन समस्या ये है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन इतना पुअर क्यों, इतना बड़ा अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो हमें उसके लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उस लेवल का हमें एग्जीक्यूशन देना पड़ेगा, बिना एग्जीक्यूशन के नहीं हो सकता। पूरे बिलासपुर को आपने खोद डाला कोई बात नहीं, खुदेगा सीवरेज बनेगा, लेकिन समय सीमा तो तय कीजिए जनाब, समय सीमा तय कीजिए, सुरक्षा के कुछ मानदंड तय कीजिए, तो ट्रैफिक के रूट को कुछ प्लान कीजिए। सिंप्लेक्स तो इसका जो कंपनी है जो इसका एग्जीक्यूशन कर रही है वो इस तरह से बेकाबू बेलगाम काम करती है कि ना तो उसको ट्रैफिक की परवाह होती। आप जानिए सीएमडी चौराहा यहाँ बहुत ही बिजी स्क्वायर है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक वहां पर रहता है, उसकी दोनों तरफ आप खोलते हो दोनों रोड बंद हो जाते हैं, 4 घंटे इस तरफ कर देते हो 2 घंटे यहाँ। पिछले दिनों श्रीकांत वर्मा रोड के सामने गाड़ी पूरी पलट गई। मैं ये कहना चाहूंगा सागर के लोगों से कि सीवरेज परियोजना बहुत अच्छी है, आने चाहिए होनी चाहिए, लेकिन वो आने से पहले सीवरेज के परियोजना के मिलने के पटाखे फोड़ने से पहले आप लोग सावधान रहिए और ये जरूर कहिए इसकी टाइमलाइन तय की जाए, और टाइमलाइन तय करने के साथ साथ इसकी ब्रेकअप टाइमलाइन भी तय कीजिए। जनरली होता ये है एक परियोजना जिसको 2 फाइनेंशियल ईयर्स में कंप्लीट करना होती है तो 2 फाइनेंशियल ईयर्स में वो बजटिंग उसका प्रावधान करते हैं और उसके हिसाब से उनका रिलीजिंग होती है, लेकिन एग्जीक्यूशन इतना पुअर होता है कि वो 2 साल की परियोजना जैसे बिलासपुर में 9 साल से चल रही है उसका आज तक भी अंजाम होने की अभी संभावना नहीं है। दावे किए जा रहे हैं हो सकता है दिसंबर तक हो जाए, और ये दावे ऐसा नहीं है, मैं आपको यकीन के साथ बताता हूँ, रिकॉर्ड बताता हूँ कि यहाँ के स्थानीय विधायक अमर अग्रवाल मिनिस्टर है, उनके पास नगरीय निकाय मिनिस्ट्री है, उन्होंने 148 बार वादा किया है पिछले 9 साल में कि इसको हम 6 महीने में पूरा कर लेंगे। अब उन्होंने आखिरी बार जो वादा किया है उसको बोल रहे हैं दिसंबर तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा।
आप देखते हैं, हम पूरी आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि 16 दिसंबर तक हो जाना चाहिए पूरा, लेकिन जिस गति से काम चल रहा था उससे तो नहीं लगता। अब देखते हैं किस तरह से मीडिया ने इसको कवरेज दिया, पत्रिका ने इसको कवरेज दिया, उसके बाद से थोड़ी सी स्थितियाँ ठीक हुई है, संभव है कि अब उसके बाद एग्जीबिशन हो अच्छा और साकार हो जाए। पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कम से कम आपने इस विषय को अपने इस संदर्भ में इसको देखने की कोशिश की है, सागर के संदर्भ में, क्योंकि सागर और बिलासपुर में दो समानताएं हैं। सागर भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, बिलासपुर भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और सागर की आबादी भी कमोबेश वही है और बिलासपुर की आबादी भी कमोबेश वही है, कल्चर भी वही है। सागर में भी बहुत ज़हनी लोग और बहुत ही संस्कृत लोग, बहुत ही सभ्य लोग रहते हैं, वैसे ही बिलासपुर में भी बहुत सभ्य सुशिक्षित और अच्छे लोग, अपने शहर के बारे में सोचने वाले लोग रहते हैं, बहुत राजनीतिक रूप से उठा पटक करने वाले लोग नहीं होते हैं। मैं यकीन के साथ दावे के साथ कहता हूं, अगर यही कोई दूसरा शहर होता, इंदौर तक टाइप की जगह होती, तो बहुत बड़ी इसमें असफलता गवर्नमेंट को होती और नेशनल इशू बना होता है। लेकिन बिलासपुर के लोग 9 साल से इसको बियर कर रहे हैं, 9 साल से इसको टॉलरेट कर रहे हैं, आज उनकी टॉलरेशन की सीमा बहुत बियॉन्ड हो गई है, तब जाकर वो कह रहे हैं। आप कहते हो गड्ढे नहीं, आप कहते हो बिलासपुर में समस्या नहीं है, तो जो ये कहते हैं उनको एक बार बिलासपुर आना चाहिए। और मैं कहता हूँ 9 साल के अंदर नहीं आए हो तो अब आकर देखिए जनाब, आप एक बार जाकर समझिए बिलासपुर में किस तरह से गड्ढे गड्ढे कर दिए गए हैं, पूरी जगह छेद छेद कर दिया गया है, वो एग्जीक्यूशन कम्प्लीट नहीं कर पा रहे हैं आप, और पूरा उसमें मैं आपको बताता हूँ 18 मौतें हुई हैं 9 साल में। अब 18 मौतें आप कहेंगे रिकॉर्ड होता है, अब रिकॉर्ड आप लिखते हो 18 मौतों का, एक्सीडेंट का कॉज लिखते नहीं हो, एक्सीडेंट का कॉज क्या लिखते हो, आपकी डिवाइडर से टकराया क्यों, क्योंकि सड़क ही नहीं थी बगल में, एक गड्ढा खुदा हुआ था। आप उसकी फाइंडिंग्स पर जाइए, उसके अंदर पर जाइए ना, ऐसे नहीं होता कि आप डोर तो चार नहीं होते हैं किसी इस तरह की चीजों में, ये समझना पड़ेगा। 18 मौतों को जिम्मेदार कौन है भाई, सीवरेज किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन तरीका तो दीजिए। मैं सागर वाले लोगों से कहना चाहूंगा कि इसका ख्याल रखें, अपने एग्जीक्यूशन का वादा लें अपने स्थानीय प्रतिनिधियों से, चाहे वो कोई भी हो, बिल्कुल झांसे में ना आए, बहकावे में ना आए, ये बड़ा खेल होता है, करोड़ों की परियोजना होती है, और क्या इसमें करेंगे ये नहीं कह सकते, क्या इसमें होगा नहीं कहा जा सकता, ये अलग विषय है, परंतु अगर कर रहे हैं एक एक मोहल्ले की टाइम लाइन चार्ट पब्लिक कीजिए, सबको बताइए कि इस गली से इस मोहल्ले से यहाँ से यहाँ लेकर इस तारीख तक रोड बंद रह सकता है, हम इसमें खुदाई करेंगे, हम 4 दिन का समय लेंगे, हम 5 दिन में 3 दिन में खत्म करेंगे, टाइम लाइन तय कीजिए, बिना टाइम लाइन के अपने घर के सामने गड्ढा मत करने दीजिए, मैं आपको कहता हूँ, नहीं तो गड्ढा अगर रह गया तो आप समझिए 9 साल से लोगों को बिजनेस फेल हो गए। आप सोचिए कि बिलासपुर में टेलीफोन एक्सचेंज जो है वो परेशान हो गया है, उसकी सारी वायर्स कट गए हैं अंदर के अंदर के, पानी सप्लाई के पाइपलाइंस फूट गए, इतना कोऑर्डिनेशन आपके डिपार्टमेंट्स के बीच में नहीं है, कोई ड्राइंग नहीं है, कहाँ खोदोगे, कहाँ से नहीं खोदोगे, कहाँ से कैसे लिंकअप करोगे, ऐसी परियोजना बना दी गई है, एकदम ठोक दी गई है भाई। बिलासपुर एक बाउल शेप, इसके कॉर्नर्स को आपको शोल्डर्स को पहले समझना पड़ेगा, शोल्डर्स आपने समझे नहीं और आपने गड्ढा कर दिया गड्ढे में, तो गड्ढे में गड्ढा करोगे क्या होगा, बड़ा गड्ढा होगा, इसलिए समझिए। थैंक यू वेरी मच पंकज जी, आपने मुझे समय दिया।